जय हिंद वंदे मातरम साथियों, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या। साथियों अन्वेषक भाई जो कि अन्वेषक पद पर कर रहते हैं शिक्षा विभाग में जितेंद्र शर्मा ने ऐसा ही ऐतिहासिक कार्य करके दिखाया है। शुरू करते हैं आज का पूरा वीडियो। आगमी अध्यक्ष कल्याण समेत उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल के तत्वाधान में हम दो भाई महाराजगंज जिले से आज एवरेस्ट बेस कैंप पे भारत का झंडा फहराया और महाराजगंज जिले का नाम रोशन किया। शिक्षा विभाग के लिए यह पत्थर की कील होगी और यह एक इतिहास होगा। राकेश पटेल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। इस एवरेस्ट चोटी के कदमों में हम लोग हैं, एवरेस्ट बेस कैंप पे हैं और आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद बोलिए। राकेश पटेल भैया आपको मेरा तहे दिल से नमस्कार। आप खूब आगे बढ़े और अपने जो भी भाई हैं बंधु हैं उनको खूब आगे ले जाएं। पूरा सहयोग करेंगे। ओके भैया बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भैया। नमस्कार। एक ऐतिहासिक पल अन्वेषकों ने दिया है शिक्षा विभाग के लिए। साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं थोड़ा लार्ज करके आपको बताना चाहूँगा। सर क्षेत्र के बागापार निवासी जितेंद्र शर्मा अनुदेशक को मिली कामयाबी, वहाँ भारतीय ध्वज फहराकर जिले का नाम रोशन किया। साथियों ये एक बहुत बड़ी विश्व लेवल पर प्रसिद्धि प्राप्त की है हमारे अनुदेशक भाई ने, हमारे अनुदेशक साथी ने। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर अनुदेशक ने फहराया तिरंगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। साथियों पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं हमेशा अपने वीडियो में ये शेर आपको सुनाता हूँ और एक और शेर आपको अर्ज करना चाहूँगा। खुदी को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। साथियों इतनी मेहनत करो कि किस्मत लिखने वाला भी आपसे पूछे बोल मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए। महाराजगंज निज संवाददाता की ये रिपोर्ट मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये रिपोर्ट ये जैसे ही मैंने समाचार देखा मेरा दिल गदगद हो गया, खुशी से झूम उठा। साथियों जज्बातों को रोक नहीं पा रहा हूँ और मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूँगा क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में आप सभी के लिए मोटिवेट करने वाली कुछ ना कुछ शायरी बातें या कविता सुनाता हूँ ताकि हम सब मोटिवेट हों, सेल्फ मोटिवेट हों और इस विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने आप को संभाले रखें। इतने अल्प मानदेय में, दयनीय स्थिति में, मजदूर से भी कम आय में अपने आप को हम लोग इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जीने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों खुशियों की तलाश में हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही हमारे एक भाई ने करके दिखाया है क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं, हम सब मानते हैं कि हमारे अन्वेषक भाई प्रतिभाशाली हैं और किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है और वो खुद में एक विशेष कला और विशेष प्रतिभा रखते हैं। साथियों पूरी न्यूज़ पर मैं आता हूँ। बेसिक शिक्षा विभाग के अन्वेषक व कंप्यूटर विशेषज्ञ जितेंद्र शर्मा अपने मित्रों के साथ विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने में सफलता पाई है। वहां भारतीय ध्वज फहराकर जिले का नाम रोशन किया है। साथियों शिक्षा विभाग का नाम रोशन किया है और देश का भी नाम रोशन किया है। साथ ही हमारे अनुदेशक परिवार का नाम भी भाई ने हमारे रोशन किया है। भाई आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से दुआएँ। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, आपके परिवार और आपके साथीगण सदैव सलामत रहें। सदर क्षेत्र के बागापार निवासी जितेंद्र शर्मा बेसिक शिक्षा विभाग में अनुदेशक हैं। जितेंद्र शर्मा ने बताया कि एक सपना था कि वह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट के करीब पहुंचे। इसी बीच एक मित्र चंद्रजीत पांडे ने बातचीत में माउंट एवरेस्ट चलने का मंशा का इजहार किया। उन्होंने अपनी दिल की बात कही जितेंद्र जी से और फिर प्लान किया गया, इसके बाद यात्रा शुरू हुई। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर बेसिक शिक्षा के विभाग के अन्वेषक ने तिरंगा फहराया। साथियों देखिए आप पूरा फोटोज देख पा रहे होंगे। 20 किलो वजन के साथ
छः दिन की पैदल यात्रा के बाद पहुँचे बेस कैंप। 20 दिन की मेहनत के बाद साथियों, अनुदेशक जितेंद्र शर्मा अपने चित्र मित्र इंद्रजीत पांडे के साथ महाराजगंज से भैरवा पहुँचे। वहाँ से काठमांडू के लिए रवाना हुए, जाना कि नेपाल काठमांडू। काठमांडू से सुबह 5 बजे एवरेस्ट के बेस कैंप के लिए निकल गए। वहाँ रात विश्राम करने के बाद पीठ पर 20 किलो का वजन और हाथ में डंडा लेकर बेस कैंप की तरफ बढ़े। 6 दिन की पैदल यात्रा के बाद 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नामचे पहुँचे। एक एक कदम बढ़ना भी मुश्किल था। करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट यात्रा के अहम पड़ाव डेंगवोचे पहुँचे। ऑक्सीजन की समस्या भी बढ़ने लगी। ट्रैकर्स जितेंद्र शर्मा ने बताया कि डेंगवोचे पहुँचने के बाद लगा कि अब यात्रा अधूरी रह जाएगी। रात में ऐसा ही महसूस भी हुआ कि जान निकल जाएगी। साथियों, सोमवार को दिन में 1.5 माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंच गए वह। जितेंद्र ने अपने मित्र इंद्रजीत पांडे के साथ तिरंगा झंडा लहराया। साथियों, गाइड ना पोर्टर इस तरह सपनों को साकार किया। जितेंद्र शर्मा ने बताया कि डेंगवोचे में मन कुछ विचलित हुआ, लेकिन कदम आगे बढ़ी। उनके साथ ना तो गाइड थे और ना सामान ढोने वाले पोर्टर थे, लेकिन मन में जज्बा व लगन से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने का सपना साकार हो गया। जितेंद्र की इस उपलब्धि पर अन्वेषक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश पटेल भाई के अलावा विशिष्ट शिक्षा विभाग के कर्मियों ने बधाई दी। साथियों, ये बेहतरीन और बड़ी खबर आप तक मैंने पहुंचाई। मुझे इस बात का फख्र है कि मैं भी एक अनुदेशक परिवार से हूं। साथियों, अब साथियों इसी समाचार के साथ एक पंक्ति मैं कहना चाहूँगा कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। साथियों, ये कविताएं हमको बचपन से मोटिवेट करती आई हैं, जब से हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, कि हमें कभी भी किसी काम को करने में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ऐसा कोई दुनिया का काम है नहीं जो इंसान कर ना सके। साथियों, विपरीत परिस्थितियों में जो कुछ करके दिखाए उसी को सिकंदर कहते हैं। साथियों, और हार के भी जो जीत जाए उसी को भी सिकंदर कहते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हम किस मुश्किलों में अपने आप को इस्टेब्लिश, अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अभी भी कोई सही से जो होना चाहिए वो व्यवहार नहीं हो रहा है आर्थिक रूप से। साथियों, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी लगन लगी हुई है। एक दिन आएगा जब हम भी खुश होंगे और हमारा शिक्षा विभाग परिवार में जो अन्वेषक परिवार है वो भी खुश होगा। साथियों, इसी समाचार के साथ मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बुनते रहिए सपने और करते रहिए अपने सपनों को साकार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।